किसी को नहीं दिया गया। आप देखो बंगाल में सभी स्त्रियों को माँ कहा जाता, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गुजरात में बहन कहा जाता, यहाँ भैया भाभी कहने का अधिकार नहीं है, ये उपनिषद की भाषा है। त्रिवर, त्रिवर को देवर कहते हैं, वो उस समय की परंपरा है। किसी कारणवश अगर उसके पति का देहांत हो गया तो जिस व्यक्ति को उससे विवाह करने का अधिकार होता था उसको द्विवर बोलते हैं। ये द्विवर ही डिफेक्टेड होके देवर बन गया है। इसलिए आप भाभी मत बोला करो, या तो माँ बोलो या बहन बोलो या जो बोलना है वो बोलो। जिसको देखो भाभी जी तुम्हारी भाभी कैसी है, कहां से भाभी ले आए, ये परंपरा नहीं है भारतवर्ष की भाभी कहना। वहां जो एक उनका ओरिजिनल भाई होगा द्विवर, शास्त्र कहते हैं द्विवर वही, और उनको अधिकार है विवाह करने का अगर बड़े भाई को कुछ हुआ। ये सनातनी परंपरा है साहब, इसलिए आप नहीं कह सकते भाभी। आप बहन जी माता जी, हमारे यहाँ हमारे गुरु जी के आश्रम में इतनी छोटी बच्ची हो तब भी माँ कोथाई जाच्छो, ओ माँ, सबको माँ बोलते थे, भैया बोला करो, बैठे बिठाए आगे भाभी जी, मुंह मुंह कल्लू के बंदर के जैसा भाभी जी कह दिया ससुरे। भाभी कैसी बे, किस बात की भाभी, शास्त्र पढ़ो, सनातन परंपरा को जानो, भाभी कहने चले आए। भाभी तुम द्विवर हो, भाभी कह रहे हो, कभी नहीं कह सकते तुम भाभी, मां बोलो बहन बोलो। ओह महाराज दिव्याति दिव्य भाव से।